अगर आप सिर्फ ये पढ़ना चाहते हैं कि आपका परीक्षा निकल जाए, सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाने वाले ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे लेकिन उतना जरूर पढ़ाएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैच कर जाएं। तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है और आप सभी को ये पीडीएफ के रूप में भी मिल रहा है और पांडे जी टेक्निकल ऐप पर भी मिल रहा है। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जितने सारे विद्यार्थी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए सिर्फ ₹199 में पूरे सेमेस्टर की चीजें आपको कराई गई हैं और सब सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ₹99 में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है और ₹199 में आप सभी को सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है सारे सब्जेक्ट का। तो आप देखिए कि पढ़ाई कैसे होता है और इंपॉर्टेंट चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं, आप वहीं से लीजिए, अदरवाइज आपको पैसे वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को आप याद रख लीजिए, कॉपी में प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। मैं आपको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन है कि कॉट ए प्लस बी इंटू में कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो आपको बताना है कि कॉट 2a/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। किसकी वैल्यू बतानी है? कॉट 2a/3 की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास ऊपर में ये कंडीशन दिया हो तो। ठीक है, सिंपल आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे, मैं यहां से लगाना शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको जो दिया है वो आप लिख लीजिए, कॉट ए प्लस बी, फिर इनटू में आपके पास दिया हुआ है कॉट ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर दी हुई है। ठीक है, आप एक काम करिए, कुछ नहीं करना है, ये कॉट ए माइनस बी मल्टीप्लाई में है, बगल बराबर के उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए माइनस बी। इसको तो आप इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप कहोगे सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि आपने बस इसको इधर भेज दिया है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये तो है आपका कॉट ए प्लस बी, ये तो कॉट ए प्लस बी ही हो जाएगा, लेकिन 1 अपॉन कॉट थीटा टेन थीटा होता है ना, तो ये 1 अपॉन कॉट ए माइनस बी जो है ये आपका बन जाएगा टेन ए माइनस बी, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन होता है। इतना हो गया। अब सिंपल एक काम करना है आपको और वो काम ये है कि इस टेन को आप क्या लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आपके पास कॉट ए प्लस बी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब इज इक्वल टू आप एक काम कर लेना, ये जो लिखा है ना टेन थीटा, तो टेन थीटा के जगह पे हम ये लिखने जा रहे हैं कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा भी लिखोगे तो टेन थीटा ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ये हो गया कॉट, उसके बाद हो गया 90 और माइनस थीटा के जगह पे ये क्या है आपके पास, तो ए माइनस बी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिल गया कि हम कॉट से कॉट को कैंसिल कर सकते हैं, और जब आपने यहाँ कॉट को कॉट से कैंसिल कर दिया तो एक बड़ी प्यारी चीज मिली आपको, वो है आपके पास कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो बराबर में मिल गई आपके किसके, 90, और इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस a और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b। ठीक है, यहां पे एक और काम मजेदार मिल गया कि b से b भी आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस a इधर आएगा तो प्लस a हो जाएगा, a 2a हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, a की वैल्यू यहां से मिलके आ जाएगी आपको 45, जो कि आपने ए की वैल्यू यहां से प्राप्त कर ली, ए की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, अब आप बताइए कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि अभी तक तो आपने कुछ किया ही नहीं है, बस ए का मान निकाल लिया है, इसके लिए ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब आपने ए की वैल्यू निकाल ली तो आपसे पूछा जा रहा है कॉट 2a/3 की वैल्यू, तो आप रख लो कॉट 2 a की वैल्यू कितनी है 45, 2a/3 हो जाएगा ना। हाँ भाई, कॉट 2a/3 की वैल्यू पूछा गया है, इससे काट दीजिए, 3 से काटिएगा तो 15 * 3 = 45 हो जाएगा, और कॉट में आपके पास आ जाएगा 15 * 2 = 30, तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी, तो कॉट 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो √3 हो जाएगी, और यही कॉट 30 की जो वैल्यू है आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई समस्या हुई हो तो,
कोई समस्या ही नहीं होगी क्योंकि इतने आसान तरीके से बताया गया है, कुछ नहीं किया गया है, बस ये cot a plus b into में cot a minus b is equal to 1 है, 1 रख दिया, cot a plus b is equal to 1 upon में cot a minus b हो गया, इस cot को चेंज कर दिया tan में हो गया, इस tan को मैंने क्या किया cot 90 minus theta के फॉर्मेट में लिख दिया, cot से cot कैंसिल करके a का मान निकाल लिया क्योंकि हमें जरूरत ये थी a की वैल्यू की, क्योंकि हमसे cot 2a by 3 की वैल्यू पूछी गई थी, बस हो गया काम खत्म, बिल्कुल ख़त्म। ऐसा ही इजीली तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते जाना है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो काम आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी त्रिभुज एबीसी में आप देखो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, कैसे निकलेगी आपको सबसे पहले ये देखना है, ओके। तो आप देखो मैं एक काम करता हूँ, आपको कोई भी त्रिभुज होगा तो उस त्रिभुज में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, बच्चा बच्चा जानता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बस आपको इतना कर लेना है, अब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, चूंकि हमको क्या करना है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान लाना है, तो एक काम करिएगा कि ये जो सी है ना प्लस सी, इसको इस साइड भेज दीजिएगा तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तक तो कुछ मैंने किया ही नहीं है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपकी चीज़ें, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा तो दोनों तरफ का टेन थीटा ले लेने पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लिया भाई टेन ए प्लस बी और यहाँ भी ले लिया मैंने टेन 180 माइनस सी, क्योंकि दोनों तरफ का क्या ले लिया हमने टेन ले लिया, ठीक है, तो दोनों तरफ का टेन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो है टेन ए प्लस बी का सूत्र लगा देंगे, ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी का सूत्र लगा देंगे और यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा लिख देंगे कितना होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ आपको, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो आप देखो ये tan a प्लस बी का सूत्र लगाओ तो ये हो जाएगा आपके पास tan a प्लस में tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू में tan b हो जाएगा, ये सूत्र है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सूत्र है आपका, ठीक है, और यहाँ पे माइनस टेन सी हो जाएगा टेन 180 माइनस सी, ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये जो है टेन ए प्लस टेन बी, तो ये तो एडिटेज रहेगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे इसके साथ तो ये माइनस में टेन सी हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, फिर ये प्लस में क्या हो जाएगा टेन ए टेन बी तो ऑलरेडी हैं ही, सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेन सी भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा टेन बी और यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन सी, मामला क्लियर, यस सर। अब ये जो माइनस का टेन सी है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का टेन सी हो जाएगा, तो आ गया भाई, बस हो गया, हो गया भाई क्या कि भाई ये तो ऑलरेडी टेन ए प्लस टेन बी है आपका, तो आपने एज इट इज टेन ए प्लस टेन बी लिख लिया, देखो हरे कलर से मैं आंसर लिख रहा हूँ, लास्ट स्टेप है तो ये आंसर मान के चलिए, तो लास्ट स्टेप है तो आंसर है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये टेन ए हो गया, फिर प्लस में टेन बी हो गया, फिर प्लस में टेन सी हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, सब मल्टीप्लाई में है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई क्योंकि बताया गया है बड़ा सिंपल तरीके से, ठीक है। एक एक स्टेप है, इसको कॉपी में करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, और पॉलिटेक्निक के पेपर में जो है यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि पांडे जी टेक्निकल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि पांडे जी टेक्निकल ऐप पे सबसे बेहतरीन चीज़ें कराई जा रही हैं और उससे बेहतरीन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये देखिए sec थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाएगा, एक काम कर लीजिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो तीन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस में tan थीटा और इज इक्वल टू, ये 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस में tan थीटा, बस हो गया आपका काम यहाँ से,
ठीक है। अब आप देखो मल्टीप्लाई कर लो, 3 sec थीटा हो गया प्लस में 3 tan थीटा हो गया इज इक्वल टू 5 sec थीटा हो गया और माइनस में 5 tan थीटा हो गया। ठीक है, sec थीटा और tan थीटा को एक जगह कर लो भाई, क्या हो जाएगा? sec थीटा और tan थीटा को एक जगह करोगे तो ये जो sec थीटा है 3 sec थीटा इधर आएगा, 5 sec थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 sec थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 3, ये देखो पहले ये क्या हुआ है 3 sec थीटा है और ये 5 sec थीटा मान लीजिए इधर आ गया तो 5 में से 3 गया 2 तो -2 sec थीटा, और ये जो 5 tan थीटा है और ये 3 tan थीटा और उधर जाएगा तो 3 तो आपका ये माइनस हो जाएगा तो 5 3 8 tan थीटा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया कैंसिल, हो गया सर। अब आप आगे देखिए क्या कर सकते हैं, आप इसको 3 sec थीटा है और 5 -5 प्लस 3 -2 और ये उधर गया है तो -8, ठीक है। अब यहाँ पे 2 sec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8, और आपको क्या चाहिए tan थीटा है, tan को तोड़ लीजिए, आप किस में तोड़ेंगे sin by cos में तोड़ेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से तोड़ सकते हैं तो ये sin थीटा बट्टे में cos थीटा हो गया, टूट गया यहाँ से cos थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 8 जो है इधर आ जाएगा तो फाइनली आंसर को मैं इस कलर से लिखता हूँ और ये है आंसर कि sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ये 2/8 के बराबर आ जाएगी और ये जो 2/8 की वैल्यू है वो आपका 1/4 के बराबर आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। आप समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए बता दीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक में यही पूछा जाएगा जो मैंने आज आपको सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है। और ये संपूर्ण पीडीएफ आपको पांडे जी टेक्निकल के ऐप पर मिलने वाला है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये कम इतना फीस इसलिए किया गया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना मिले, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।